भगवान शिव के भक्तों की आस्था से जुड़े पावन धाम बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए हर कोई प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे यात्रा के माध्यम से साक्षात बाबा के दर्शन हो या टीवी या डिजिटल मीडिया के माध्यम से दर्शन हो, भक्तों की उत्सुकता चरम पर होती है। बाबा अमरनाथ के पावन धाम तक पहुंचने के लिए शिव भक्तों को लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन भोले की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं की आस्था इतनी मजबूत होती है कि उन पर मौसम की मार और रास्ते की थकान का कोई प्रभाव नहीं होता। 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा की अब तैयारियां चल रही हैं, जो 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त को समाप्त होगी। कश्मीर संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने कहा कि हमने सभी प्रमुख शिविरों में अपशिष्ट निपटान के लिए एक अंतर्निहित प्रणाली बनाई है। हम अधिक मार्गों पर CCTV स्थापित कर रहे हैं। हमने शिविर की क्षमता में वृद्धि की है और इस बार हम विभिन्न स्थानों पर 75,000 से अधिक तीर्थयात्रियों को समायोजित कर सकते हैं। आपको बता दें, अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है और ये यात्रा 30 अगस्त तक जारी रहेगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस यात्रा की समीक्षा की है। अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी और लिखा है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और उन्हें सुगम दर्शन हो ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, अधिकारियों के ठहरने की उचित व्यवस्था, दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जय बाबा बर्फानी। बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियों से ढके हिमालय में स्थित बाबा बर्फानी के इस पवित्र धाम पर पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक पहलगाम होकर दूसरा सोनमर्ग बलटाल से होकर जाता है। बाबा अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से 145 किलोमीटर दूर हिमालय की श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से ये 3,978 मीटर ऊंचाई पर स्थित गुफा 150 फीट ऊंची और 90 फीट लंबी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई थी तो कश्यप ऋषि वहां पर इकट्ठे हुए पानियों को नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के जरिए बहा दिया। मान्यता है कि उस समय भृगु ऋषि वहां से गुजरे और उन्होंने जल का स्तर कम होने पर हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में सबसे पहले अमरेश्वर यानी बाबा अमरनाथ के दर्शन किए थे। हालांकि बाबा अमरनाथ के इस पावन तीर्थ से जुड़ी एक लोक कथा और भी कही जाती है, जिसके अनुसार एक बार जंगल में पशुओं को चराते समय एक मुस्लिम गढ़रिये की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे एक कोयले से भरी कांगड़ी दी। मान्यता है कि जब वो गढ़रिया अपने घर पहुंचा तो उस कांगड़ी में कोयले की जगह सोना पाया गया। इस घटना से हैरान होकर वहां जंगल में उसी स्थान पर साधु को धन्यवाद देने पहुंचा, लेकिन वहां उसे साधु तो नहीं मिला, लेकिन गुफा में वो शिवलिंग जरूर दिखाई दिया, जिसे बाद में बाबा बर्फानी के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा बर्फानी एकमात्र ऐसे शिवलिंग हैं जिनका निर्माण हर साल प्राकृतिक रूप से होता है और वो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर घटता बढ़ता है। बर्फ से बने शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने से होता है। यहाँ का तापमान और पानी की बूंदें इतनी ठंडी होती हैं कि नीचे गिरते ही बर्फ का आकार ले लेती हैं और धीरे धीरे इसी बर्फ से तकरीबन 12 से 18 फीट ऊंचा शिवलिंग प्राकृतिक रूप से अपना आकार लेता है।